ओके नाउ कंटिन्यूइंग द इंटरेस्ट पार्ट, इंटरेस्ट में अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने फीचर्स बता दिए, आपने 360 डिग्रीज आपने अपने प्रोडक्ट के या अपने आइडिया के या अपनी सर्विस के जो भी आप यूजर को कन्विंस करना चाह रहे हैं उसके बारे में आपने सब कुछ बता दिया, दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ सेकेंड पैराग्राफ. नाउ वी वुड बी कमिंग टू द डिज़ायर पार्ट अगेन, या फिर उसको आप रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. अगर आप आयरा कह रहे हैं तो आर इज़ लाइक रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस आप अपने रीडर का किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, आपके बंडल ऑफर्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को लास्ट में एक्सप्लेन किया था. आप कोई डिस्काउंट डील्स ऑफर कर सकते हैं, आप कोई कॉर्पोरेट मेंबरशिप्स अकाउंट आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि PSO का फ्यूल कार्ड्स हैं, दिस इज़ अ कॉर्पोरेट मेंबरशिप दैट दे हैव डन. इस तरह से भी करके आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रीडर के दिमाग में डिज़ायर इन्वोक करे कि लेट्स बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है, और दिस सीम्स टू बी वेरी गुड, और दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, लेट्स बाय इट राइट नाउ, ठीक है. तो ऐसा कोई भी चीज़ जो यूजुअली हम जो है ना वो सेल्स से अट्रैक्ट होते हैं, डिस्काउंट डील्स से अट्रैक्ट होते हैं, बंडल ऑफर्स से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज से भी, अगर कोई हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है तो हम आफ्टर सेल सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज उससे भी हम अट्रैक्ट हो सकते हैं. अगर कोई अगेन हाई इन्वॉल्वमेंट है तो मैं डिलीवरी चार्जेस फ्री कर दूँ अगर अपने कस्टमर के लिए, तो वो भी मेरा कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि ओके मुझे डिलीवरी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, तो लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट कि मैं इस कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर दूँ. यू नो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट यू कैन जस्ट राइट इट डाउन जस्ट टू इन्वोक डिज़ायर अमंग योर कंज्यूमर्स, अमंग योर कस्टमर्स, अमंग योर रीडर, अमंग योर बॉस, कुछ भी, ठीक है. तो दिस वुड बी मेकिंग श्योर कि आपका कस्टमर आपसे चीज़ परचेज कर रहा है, या फिर आपका बॉस इज़ विलिंग टू इम्प्लीमेंट योर आइडिया इन द कंपनी टू मेक योर लाइफ ईजी ऑल्सो, ठीक है. फिर ये डिज़ायर हो गया. एंड नॉट अगर ऑफकोर्स अगर इंटरेस्ट का पैराग्राफ आपका इतना लंबा हो रहा है, आपके एडवांटेजेस और आपके फीचर्स प्रोडक्ट के इतने सारे हैं कि यू हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी बिग पैराग्राफ ऑन इट, सो इट्स बेटर दैट यू पुट द डिज़ायर पार्ट इन द थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, और आप उसको अलग से एक्सप्लेन कर दें जो भी आप ऑफर देना चाह रहे हैं कस्टमर को. बट इफ़ योर इंटरेस्ट पार्ट इज़ वेरी ब्रीफ, आपका फीचर्स, आपके प्रोडक्ट के एडवांटेजेस अगर आप कम आपने मेंशन किया है, पैराग्राफ इज़ ऑलरेडी स्मॉल, सो यू ऐड द डिज़ायर पार्ट विद इन द सेकेंड पैराग्राफ ओनली, और फिर थर्ड पैराग्राफ आप ना बनाएं. एक्चुअली अगेन आई वुड से द सेम थिंग अगेन, आपको विजिबिलिटी बढ़ानी है अपनी राइटिंग की. तो अगर आप बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे तो अगेन अटेंशन वुड बी लॉस्ट. सो योर पर्पस इज़ दैट यू वुड बी ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस ऑल द टाइम. तो अगर आपका पैराग्राफ बड़ा है तो चांसेस ऑफ लूजिंग द अटेंशन ऑफ द रीडर वुड इंक्रीज. तो वो इंक्रीज होगा तो ऑफकोर्स आपका जो मकसद है कि वो आपका पूरा लेटर पढ़े और फिर वो आपका प्रोडक्ट बाय करे या वो आपका आइडिया बाय करे, वो लूज़ हो जाएगा. तो इसलिए मैं हमेशा इस पर एम्फसाइज करती हूँ कि अगर आपका पैराग्राफिंग बड़ी हो रही है तो यू गिव मोर पैराग्राफ्स, यू गिव मोर पॉइंट्स जस्ट टू मेक श्योर दैट योर राइटिंग इज़ विजिबल, रीडेबल फॉर योर रीडर, ठीक है. तो ये थर्ड पैराग्राफ, लेट सपोज हमने एज्यूम किया कि आपके एडवांटेजेस और आपके फीचर्स प्रोडक्ट के इतने सारे हैं कि वो पैराग्राफ ऑलरेडी इज़ बिग, तो आई वुड बी पुटिंग अनदर पैराग्राफ दैट इज़ थर्ड पैराग्राफ दैट वुड बी ट्रीटेड एज माई डिज़ायर पैराग्राफ, जिसमें मैं कस्टमर को अगेन कोई बेनिफिट दूंगी ताकि वो मुझसे चीज़ परचेज करें. नाउ कमिंग द लास्ट पैराग्राफ दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ क्लोजिंग पैराग्राफ दैट इज़ कॉल्ड एज एन एक्शन पार्ट. अब एक्शन क्या होगा, एक्शन आप कहाँ से कस्टमर आपको रीच करेगा ताकि ही वुड बी टेकिंग परचेजिंग योर प्रोडक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फर्नीचर स्टोर है एंड आई एम राइटिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि वो मुझसे फर्नीचर अपनी कंपनी का परचेज करें, तो आई वुड बी टेलिंग देम दैट आई एम माई स्टूडियो इज़ और माई ऑफिस इज़ और माई शोरूम इज़ इन मे बी इत्तेहाद कमर्शियल, यू कैन विजिट एनी टाइम,
और मे बी वी आर वर्चुअली प्रेजेंट, आर वेबसाइट एड्रेस इज दिस दिस, आर फोन नंबर इज दिस दिस, इफ़ यू हैव एनी फर्दर इंक्वायरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, वी वुड बी डेफिनेटली प्लानिंग एन अपॉइंटमेंट विद यू इन विच वी कैन फर्दर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आर प्रोडक्ट्स. इस तरह से भी कर एक्शन का मतलब आप मेक श्योर करेंगे कि आपका रीडर वुड बी एक्टिंग अपॉन वट एवर यू हैव सेड इन द प्रीवियस पैराग्राफ्स. तो वो कहाँ आपको कॉल कर सकता है, वो कहाँ आपको रीच करेगा ताकि वो आपका प्रोडक्ट या आपका आइडिया परचेज कर सके, ठीक है, या आपका सर्विस परचेज, आपकी जो भी आप सर्विस सेल कर रहे हैं वो परचेज कर सके. लेट सपोज जो मेरा पहला टाइप था पर्सुएसिव राइटिंग का, कि आप एक आइडिया सेल कर रहे हैं और आप अपने बॉस को लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर उसमें आप अपनी लोकेशन वगैरह तो नहीं लिखेंगे क्योंकि बॉस है वो आपका, ही ऑलरेडी नोज यू. और तो ऑफ कोर्स आप फिर आखिर में ये लिखेंगे, आई वुड बी ग्लैड इफ़ यू वुड बी गिविंग मी एन अपॉइंटमेंट सो दैट आई कैन फर्दर डिस्कस इन डिटेल विद यू दैट हाउ वी कैन बेनिफिट द कंपनी थ्रू दिस आइडिया. या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी फर्दर इंक्वायरीज आई वुड बी मोर देन, यू वुड बी मोर देन वेलकम टू गेट द आंसर्स फ्रॉम मी ऑन दिस दिस नंबर. या फिर If you have any further inquiries, kindly contact us on our call center number XYZ. इस तरह से करके आप आखिर में बता दें, या फिर आप अपना अगेन ईमेल एड्रेस दे दें, आप अपना वेबसाइट नेम बता दें, जहाँ से भी वो कस्टमर या रीडर आपको कॉन्टैक्ट कर सके ताकि वो आपकी चीज़ परचेज कर सके. चाहे वो आप सर्विस बेच रहे हैं, चाहे वो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे वो आप कोई आइडिया बेच रहे हैं, एनी थिंग. सो ही हाउ ही वुड बी कमिंग बैक टू यू सो दैट ही कैन गेट मोर डिटेल्स फ्रॉम यू अबाउट योर आइडिया. दैट इज़ वॉट द एक्शन पार्ट इज. सो वी हैव डिस्कस्ड फोर डिफरेंट पैराग्राफ्स इन पर्सुएसिव राइटिंग. दैट इज आइडा, अटेंशन, आई इंटरेस्ट, देन डिज़ायर, देन एक्शन. ठीक है, अटेंशन इज दैट यू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. Then you tell everything 360 degrees about whatever you are trying to persuade. So you will be telling each and everything about your idea, your product or your service. Then you would be invoking desire between your audience. Desire, aap chahe koi offers deke invoke kare, कोई डिस्काउंट्स दे के इन्वोक करें, कोई बंडल ऑफर्स दे के इन्वोक करें, एनीथिंग दैट यू थिंक इज़ अप्रोप्रिएट. एंड देन इन द लास्ट पैराग्राफ इट वुड बी एक्शन पार्ट. एक्शन इज़ लाइक वेयर द कस्टमर कैन रीच यू सो दैट ही कैन बाय योर प्रोडक्ट और योर सर्विस और योर आइडिया व्हाटएवर. ठीक है, आई होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. अगेन आई वुड बी पोस्टिंग एन एक्सरसाइज फॉर यू सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट अलॉन्ग. And then of course we will be discussing it in our Q&A session. Thank you so much. Allah Hafiz.